हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कोर्डेट्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नॉन कोर्डेट के बारे में सब कुछ कंप्लीट बताया है। आज हम कोर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोर्डेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से दिया गया था। तो जो कोर्डेट्स हैं उनके अंदर 3 स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, नोटोकॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो 3 जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर प्रेजेंट होंगी तो उन एनिमल्स को हम कोर्डेट की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि कोर्डेट्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये 3 चीजें जो होंगी वो कोर्डेट्स की स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होता है कि जो ये नर्व कॉर्ड होती है, जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो कई बार क्या होता है, एम्ब्रायनिक स्टेज के अंदर वो नोटोकॉर्ड रहेगी और जैसे ही एडल्ट होगा तो ये नोटोकॉर्ड जो होगी वो वर्टिब्रल कोलम के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो नोटोकॉर्ड होगी वो एम्ब्रायनिक स्टेज में या एडल्ट स्टेज में सबके पास रहेगी, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनके अंदर एम्ब्रायनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड होगी लेकिन जब वो एडल्ट होंगे तो वो वर्टिब्रल कोलम में चेंज हो जाएगी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाएगा वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जिनके अंदर वर्टिब्रल कोलम होगी वो वर्टिब्रेट्स होंगे, जिनके अंदर वर्टिब्रल कोलम नहीं होगी उनको इन वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड होगी अगर वो नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड ही रहे तो वो इन वर्टिब्रेट रहेगा। ठीक है, या फिर आप उसको सिंपली कोर्डेट भी बोल सकते हो, लेकिन अगर किसी के अंदर वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कोलम में बदल गई है तो वो वर्टिब्रेट्स बन जाएंगे। इसलिए यहां पर एक सेंटेंस बताया जाएगा, ऑल कोर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कोर्डेट्स। ठीक है, यहां पर आपकी बुक में ये बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, ऑल कोर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कोर्डेट्स। ये मैंने उल्टी लिख दिया, ऑल वर्टिब्रेट्स, सॉरी, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। कहने का मतलब क्या है, मैं कह रही हूं कि भाई सभी में नोटोकॉर्ड तो होती है इसलिए सभी जो कोर्डेट्स तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे, लेकिन किसी किसी के अंदर जैसे ये सभी क्या है, कोर्डेट्स है। ठीक है, ये सब कोर्डेट्स है, इनमें से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी इनके अंदर वर्टिब्रल कोलम है तो ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स होंगे। ठीक है, तो इन सब के अंदर नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है इसलिए इन सब को हम कोर्डेट्स तो बोल सकते हैं, लेकिन इन सब को हम वर्टिब्रेट नहीं बोल सकते। वर्टिब्रेट हम सिर्फ इन्हीं को बोलेंगे जिनके अंदर वर्टिब्रल कोलम प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगी वो आपके क्वेश्चन में भी है, ऑल वर्टिब्रेट्स ये वाले वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, ये कोर्डेट होंगे। ठीक है, इनके किसी ना किसी स्टेज पर तो नोटोकॉर्ड रहेगी लेकिन ऑल कोर्डेट्स, इन सभी कोर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते, वर्टिब्रेट्स सिर्फ इतने इतने को ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे जो क्लासिफिकेशन है वो आगे दिया हुआ है इसका, जो वर्टिब्रेट्स है उनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो जो वर्टिब्रेट्स थे, वर्टिब्रेटा जो था उसको दो फर्दर
डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो वो जिनके पास जॉ नहीं है, मतलब जॉलेस, और एक होंगे जॉ, मतलब जिनके पास जॉ प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिनके पास जॉ नहीं है उनको बोलेंगे एक गनेथा, ठीक है, जबकि जो जॉड है उनको बोलेंगे या विद जो लिख लो आप, विद जो, तो नेथो स्टोमेटा, ठीक है। इसके बाद जो एक नेथा है, एक नेथा के अंदर सिर्फ एक ही क्लास आती है, एक ही क्लास आएगी यहां पर, साइक्लोस्टोमेटा या साइक्लोस्टोम्स इनको बोला जाता है, जबकि जिनके अंदर जॉ होते हैं, मतलब जो नेथोस्टोमेटा है, नेथोस्टोमेटा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो फिश या पाइसेस और दूसरे टेट्रापोड्स। ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। तो जो पाइसेस है, पाइसेस में उनके माउथ की पोजीशन के बेसिस पर उनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक तो कॉन्ड्रिक्टिस और एक होते हैं ऑस्टियोक्टिस। ठीक है, जबकि टेट्रापोड्स में आपके जो बाकी बचे पाइसेस के अलावा हमने नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं कौन कौन से, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स यानी बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। तो जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं उनके पास जॉ नहीं होंगे और इनका जो माउथ होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर माउथ है, जो लेस है, मतलब जो यहाँ पर नहीं होंगे। ये मोस्टली मेराइन होते हैं और जब भी इनको मोस्टली मेराइन होंगे, लेकिन जब ये एग ले करेंगे तो ये फ्रेश वाटर के अंदर जाकर करेंगे, एग ले इन फ्रेश वाटर। उसके बाद स्पॉनिंग के बाद, मतलब एग लेने के बाद ये वापस से मेराइन में आ जाएंगे, जबकि जो लार्वा होंगे वो मेटामोर्फोसिस फ्रेश वाटर के अंदर करेंगे, उसके बाद वो मेराइन यानी सी के अंदर वो लौट जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लैम्प्रे, लैम्प्रे और जो हैगफिश होती हैं वो जॉलेस, मतलब एग नेथा या साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है। माउथ सर्कुलर होगा, जॉलेस होंगे, ये मोस्टली मेराइन होंगे, जब इनको एग लेइंग की प्रोसेस करनी है, रिप्रोडक्शन करना है, तो ये फ्रेश वाटर में जाकर स्पॉनिंग करेंगे, एग लेकर के वापस आ जाएंगे। अब जो एग होंगे उनका फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर ही होगा, वहां पर मेटामॉर्फोसिस के बाद जो लार्वा होगा वो वापस समुद्र में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पाइसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पाइसिस होती है उनमें जो कॉन्ड्रिक्टिस होती है, कॉन्ड्रिक्टिस का जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड पर होता है, ठीक है। यहां पर माउथ की पोजीशन वेंट्रल होती है, ठीक है, नीचे की तरफ माउथ होगा, जबकि यहां पर माउथ जो होगा वो टर्मिनल पोजीशन पर होगा, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है मोस्टली जो ये होती है हमारी कॉन्ड्रिक्टिस जो होती है, कॉन्ड्रिक्टिस में हमारी डॉग फिश, सॉ फिश और जो स्टिंग रे होती है, स्टिंग रेज जो होती है वो इसमें आती है, ठीक है। जबकि ऑस्टियोक्टिस जो कैटेगरी होती है, ऑस्टियोक्टिस के अंदर फ्लाइंग फिश आती है और मोस्ट कॉमन जो लैबियोरोहिता रोहू मछली जो होती है, रोहू मछली हमने देखी है, उसका माउथ जो होता है वो टर्मिनल पर होता है, मतलब इसकी जो माउथ की पोजिशन होती है वो ऐसी होती है, यहां पर माउथ होगा, ठीक है। जबकि इनके अंदर जो माउथ की पोजीशन होगी वो यहां पर होगी, ठीक है। तो यहां पर माउथ वेंट्रल है, यहां पर माउथ टर्मिनल है, ठीक है।
जो टर्मिनल माउथ वाले होंगे वो लगातार अपने माउथ को ओपन एंड क्लोज करते रहेंगे, क्योंकि इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी। सबसे मोस्ट कॉमन कटला फिश, रोहू फिश जो एडिबल फिश होती है वो ऑस्टिक्थिस कैटेगरी में आती है, जबकि कॉन्ड्रिक्थिस में जो शार्क की कैटेगरीज हैं एक तो वो आएंगी, और जो सॉ फिश या स्टिंग रे जो होती है वो इस कैटेगरी में आएगी कॉन्ड्रिक्थिस में, ठीक है। इसके बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंदर खास बात ये होती है कि वो पानी में भी रह सकते हैं और वो लैंड पर भी रह सकते हैं। जैसे हमने फ्रॉग देखा है, टॉड या सेलेमेंडर जो होती है वो सब पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। जब पानी में रहेंगे तो इनका जो रेस्पिरेशन का सिस्टम होगा वो अलग होगा, जब टेरेस्ट्रियल होंगे लैंड पर तो ये अलग टाइप से रेस्पिरेशन करेंगे। जैसे हम फ्रॉग की बात करते हैं तो उसके वो क्या करता है, वो लंग्स से रेस्पिरेशन करेगा जब अर्थ पर होगा, और जब पानी में जाएगा तो वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो होंगे वो क्रॉलिंग होंगे, रेंग कर चलेंगे। इनके पास 3 chambered हर्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास 4 chambered हर्ट होता है, ठीक है। ये जो होंगे ये एग ले करेंगे, इनको जो एम्फीबिया होते हैं उनको तो मोस्टली वाटर की ही जरूरत है, रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये रिप्रोडक्शन जो है वो वाटर के अंदर करें। वो कुछ टाइम के लिए वाटर के अंदर जा सकते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन जो होगा वो टेरेस्ट्रियल होगा। एव्स बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स फ्लाइटलेस भी होते हैं और फ्लाइंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर फेदर्स भी प्रेजेंट होती है, विंग्स भी प्रेजेंट होती है। ये जो बर्ड्स होते हैं इनकी खास बात होती है कि इनकी बोन्स जो होती हैं, बोन्स वो न्यूमैटिक होती हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिख रही हूं मैं, न्यूमैटिक बोन्स, इनकी बोन जो होती है वो न्यूमैटिक मतलब खोखली होती है, हल्की होती है, ताकि वो फ्लाई कर सके ज्यादा ऊपर तक। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं जैसे ऑस्ट्रिच है, एमू है, या आपका पिकॉक जो है वो भी बहुत कम ही फ्लाई कर सकता है क्योंकि उसकी विंग्स जो होती हैं उनका वेट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है मैमल्स, तो मैमल्स जो होते हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जो मिल्क रिलीज करेंगी, और जो पोस्टनेटल केयर जो होगी, जो यंग वंस होंगे रिप्रोडक्शन के बाद जो नए मेंबर्स आएंगे उनको मिल्क फीड करवाया जाएगा थ्रू द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक फटाफट इसका क्विक रिवीजन दूंगी एक ही वीडियो में, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप अपने नोट्स बना लीजिए और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।